हेलो स्टूडेंट, तो आज जिस हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डायमेंशन। तो दोस्तों, ये जो हमारे फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह इसका यूज होता है, चाहे वो हमारे ट्वेल्थ हो या हमारा इंजीनियरिंग लाइन में हो या हमारे वो कॉम्पिटिशन में हो, तो हर जगह इसके क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए आपको बहुत ही सिंपल तरीका आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो सबसे सिंपल, उसके लिए आपको बस चार जो हमारे भौतिक राशियाँ होती हैं उसको बस आपको याद रखना है। पहली जो होती है हमारा मास, जो कि हमारा द्रव्यमान होता है, तो इसको हम डायमेंशन में किससे शो करते हैं, एम से। सेकंड जो होता है वो हमारा होता है लेंथ, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। तो स्पेशली बात डायमेंशन में हमको ये याद रखनी होती है कि इसमें जितने भी हम डिनोट करते हैं वो सब हमारे कैपिटल लेटर्स में होते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। और इसमें लास्ट जो राशि आती है वो हमारी आती है टाइम, इसको डिनोट हम करते हैं कैपिटल टी से। तो ये जो हमारी चार राशियाँ होती है इन्हीं का यूज हमारे पूरे डायमेंशंस के फॉर्मूले में होता है। तो बस ये चार राशि को आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। अब जैसे पहला हम सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, वॉल्यूम ले लेते हैं हम। तो वॉल्यूम का आप सभी लोग फॉर्मूला तो जानते ही होंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब जैसे कि लेंथ का हमारा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ब्रेथ का मात्रक मीटर होता है और हाइट का मात्रक भी मीटर होता है, ठीक है। तो हमारी लेंथ की इसमें यहाँ पे हमने विमा क्या लिख रखी है, कैपिटल एल। तब जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कैपिटल एल, उसके बाद हमारा ब्रेथ की भी कैपिटल एल हो जाएगी और हाइट की भी कैपिटल एल हो जाएगी। एल इंटू एल इंटू एल क्या होगा, एल क्यूब। तो ऐसा इसमें हम बिल्कुल नहीं बोलते हैं, इसमें हम बोलते हैं L 3, ठीक है। तो इसमें जो हम बोलेंगे वो L 3 बोलेंगे, सॉरी मैंने बाहर लगा दिया। इसमें क्यूब नहीं बोला जाएगा हमारा, जितने भी राशि होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हमारा 4 आ जाता या हमारा L 2 आ जाता, तो यहाँ पे हम L स्क्वायर नहीं बोलेंगे, इसको L 2 बोलेंगे, ठीक है। तो दूसरा भी जैसे हम आपको बताते हैं, आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल, ये यहाँ पे हम डेंसिटी का एक फॉर्मूला ले लेते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की विमा क्या है, कैपिटल एम, एंड जो वॉल्यूम की विमा क्या हो जाएगी हमारी, अभी हमने निकाली थी, क्या थी, एल थ्री। अब जब हमें हमारा नीचे है, अभी जब हमें ऊपर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये माइनस का हो जाएगा, यानी एल माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको हम प्रॉपर अगर सही तरीके से लिख ले तो क्या हो जाएगा, ये एम एल माइनस 3। तो यहाँ पे हमारी ये होगी डेंसिटी की विमा। तो आपको काफ़ी हद तक इसको समझ में आने लगा, इसी तरह हम सारे फॉर्मूलेस के निकालते हैं। तो आज मैं काफ़ी आपको फॉर्मूले क्लियर करवा दूंगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो इसके निकालने, फिर मैं कुछ इसके सवाल्स भी करवा दूंगा, जैसे सवाल इसके पूछे जाते हैं 12th स्टैंडर्ड में। अब तो फिलहाल 11th स्टैंडर्ड में हो गया क्योंकि बुक्स डिवाइड हो गए, हम लोग के टाइम में था कि दोनों बुक्स सेम थी। तब बताते इसके और कुछ फॉर्मूले, जैसे कि इसका काफ़ी फॉर्मूला पूछा जाता है हमारा फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, तो हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी इसको लिख सकते हैं हम एम इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एम की विमा हमको पता है बट हमें ए की विमा नहीं पता है। तो उससे पहले हम ए की निकाल लेते हैं एक्सीलरेशन की। ए का फॉर्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन अपॉन समय, ठीक है। तो यानी वेग की विमा क्या हो जाएगी हमारा, उससे पहले हमको वेग की निकालनी पड़ेगी। तो ये वेग का क्या होता है हमारा, विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, यानी इसकी विमा क्या हो जाएगी, एल। समय का भी टाइम का हमने आपको बताया था, समय की विमा क्या थी हमारी, कैपिटल टी थी। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी। तो इसकी विमा क्या बन जाएगी, ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस वन,
इसी तरह से एक्सीलरेशन की निकालेंगे हम, तो हमने यहाँ पे वेग की निकाल ली है, एल टी माइनस वन वेग परिवर्तन अपॉन समय था, तो यानी यहाँ पे समय की टी हो जाएगी। अब ये दोबारा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, एल टी माइनस वन इंटू टी माइनस वन, माइनस वन माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अब एक्सीलरेशन की विमा मिल गई है, तो यानी अब हम इसको फोर्स में रख सकते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं विमा, एम की क्या हो जाएगी, एम ए की क्या हो जाएगी हमारी, एल टी माइनस टू, जैसा कि अभी हमने निकाला। अब इसको हम साथ में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। ये होती है हमारी फोर्स की विमा, बल की विमा। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे एक और निकाल लेते हैं, किसकी, प्रेशर की निकाल लेते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स की विमा हमने यहाँ पे निकाली है, एरिया का फॉर्मूला सब जानते होंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, फोर्स की विमा क्या हो जाएगी हमारी, एम एल टी माइनस टू, एरिया क्या हो जाएगी, एल टू। ठीक है, अब ये एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा, यानी एम एल टी माइनस टू एल माइनस टू। अब इसको हम साथ में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, यानी दोनों हमारे लेस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन, एक बचेगा यहाँ से, टी माइनस टू। ये हो जाएगी हमारी प्रेशर की डायमेंशन। ठीक है, तो इसी तरह अब हम आपको एक इसके दो तीन एग्जांपल देके बता देते हैं कि इस विमा का कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। ठीक है, तो इस विमा से हम सबसे पहले हम निकाल सकते हैं यहाँ पे कि मतलब कोई भी हमारा फॉर्मूला हो, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये फॉर्मूला हमारा सही लिखा है या गलत लिखा है, तो उसके लिए हमारे ये विमा ही काम करती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक फॉर्मूला, सबसे सिंपल फॉर्मूला ले लेते हैं, हम वेग के समीकरण का ले लेते हैं, वी बराबर यू प्लस ए टी। आप सबको पता है फॉर्मूला सही है, मगर हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये फॉर्मूला सही है, उसके लिए हमको विमा की जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे वेग की विमा निकाल रखी है, वेग की विमा क्या थी हमारी, एल टी माइनस वन, वेग हमारा यू भी है, तो यानी यू और वी की विमा इक्वल हो जाएगी। ए की विमा भी हम निकाल चुके हैं, क्या थी हमारी ए की विमा, एल टी माइनस टू। ठीक है, टी की विमा ऑफिशियली आप लोगों को पता होगी, अभी जैसा कि मैंने बताया क्या होती है, कैपिटल टी। तब आपको यहाँ पे हमारे चारों जो हमारी राशियाँ, भौतिक राशियाँ, उन सबकी विमा पता है, बस आपको यहाँ पे पुटअप करना है। ठीक है, चलिए पुटअप कर देते हैं। वी की विमा क्या थी, एल टी माइनस वन, यू की विमा क्या है, एल टी माइनस वन, ए की विमा एल टी माइनस टू, और टी की विमा टी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, जिससे हम एल एच एस साइड है ये, ठीक है, और ये हमारा क्या है, आर एच एस साइड। ठीक, तो हम पहले आर एच एस साइड को ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, और यहाँ पे टी माइनस टू और टी वन, यानी हमारे जो हमारी इसकी पावर वो लेस होगी, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, क्या हो जाएगा ये एल टी माइनस वन। यहाँ पर भी हमारा क्या था, एल एच एस साइड में एल टी माइनस वन, यानी जो हमारा एल एच एस है और जो हमारा आर एच एस है वो हमारा इक्वल आ रहा है, एल टी माइनस वन एल टी माइनस वन। ठीक है, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला है बिल्कुल सही होगा। इसी तरह हम इसका कोई दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं, जानने के लिए आपको कि क्लियर हो जाए कैसे निकालते हैं, इसी का हम दूसरा समीकरण ले लेते हैं गति का। ठीक है, तो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, एस बराबर यू प्लस यू टी प्लस सॉरी यू टी प्लस हाफ ए टी। गलत है, मैं भी जानता हूँ, मगर कैसे आप बताएंगे ये फॉर्मूला गलत है, उसके लिए देखते हैं। एस का क्या होता है, विस्थापन, और विस्थापन की विमा क्या होती है, एल, बाकी सब की विमा यहाँ पे मैंने लिख रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम एल। ठीक है, यू की विमा क्या है, एल टी माइनस वन, टी की विमा टी प्लस, ठीक है, हाफ ए की विमा क्या है, एल टी माइनस टू, और टी की विमा टी।
ठीक है। सबसे पहली बात, हमारा कोई भी हम फॉर्मूला अगर हम निकालते हैं उसकी सत्यता की जांच करते हैं, तुम्हारी कोई भी जो राशि दी होगी, दो हाफ या वन बाई थ्री फोर कुछ भी दे रखा होगा, उसको हमको इग्नोर कर लेना, ठीक है, निगलेक्ट मान लेना है, यानी जैसे कि वो हमारा दे ही नहीं रखा, यानी यहाँ पे जो हाफ दे रखा है इसको आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आरचेस साइड को, क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन और टी प्लस वन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी बचेगा क्या यहाँ पे एल, ठीक है, प्लस टी माइनस टू, और यहाँ पे क्या दे रखा है टी, क्या हो जाएगा यहाँ पे एल टी माइनस वन, और यहाँ पे हमारा एल एच एस साइड क्या था, ये एल एच एस साइड है और ये हमारा आर एच एस साइड है, ठीक है। अब क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, यानी ये जो समीकरण था हमारा ये क्या हुआ, गलत हो गया, ठीक है। सही समीकरण इसका क्या होता है, सब जानते होंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको अगर निकालेंगे तो इसको मैं जल्दी से निकाल के आपको बता देता हूँ, इसकी क्या हो जाएगी l, इसकी क्या हो जाएगी एल टी माइनस वन टी प्लस हाफ को हमको निग्लेक्ट कर देना है, एल टी माइनस टू और टी टू। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे, ये यहाँ पे t माइनस वन टी प्लस वन बचेगा क्या, l बचेगा प्लस t माइनस टू और t टू, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज यानी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा l, ठीक है, और यहाँ पे एल एच एस साइड में हमारा क्या था l, यानी अब ये क्या हमारा आ रहा है इक्वल आ रहा, यानी अब ये समीकरण क्या है सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी जो हमारा कोई भी फॉर्मूला है, अगर आपको नहीं पता है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि फॉर्मूला सही नहीं है, तो आप इस तरीके से उस फॉर्मूले को जांच कर सकते हैं कि फॉर्मूला सही है या गलत है। मगर उससे पहले आपको इस विमाओं को याद करना होगा, याद क्या करना होगा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो विमा आपको आसानी से निकल जाएगी, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो आई होप आप सबको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आया और आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, हम सभी आपको तुरंत रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो मेरी मेहनत है उसका मुझे फल भी तो मिलना चाहिए, ठीक है। आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और भी लोग जिनको ये टॉपिक में दिक्कत होती है वो हमारे इस टॉपिक को समझ सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में।